हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे फाइनली मेरे को आज स्पेयर कर दिया गया है। अब मैं जो है जयपुर डिवीजन में ड्यूटी करूंगा और वहां पे मेरा जो स्टेशन मिलेगा मेरे को, वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। और आज मैं आपको मेरा स्टेशन और मेरा जो पैनल रूम है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं पिछले 5 साल से ड्यूटी कर रहा था। तो आप सभी लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट आ रखे थे कि सर जो है हमें आपका पैनल रूम दिखाया जाए और आप सभी जो आपका स्टेशन है वो दिखाया जाए। तो आप सभी लोगों को आज मैं अपना स्टेशन और जो है पैनल रूम यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है मेरा स्टेशन जहाँ पे मैं पिछले 5 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, श्री गंगानगर जंक्शन। और इसका यार्ड जो है आप देख पा रहे होंगे, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है और बाकी उधर जो है 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर है। मेन इसका जो स्टेशन है आउटडोर वाले, वो आपके जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही इधर आगे की तरफ देखते हैं बैठते हैं। और केबिन जो है, पैनल रूम जो होता है जंक्शन स्टेशनों पे खास तौर से दूसरी या तीसरी बिल्डिंग में यहाँ पे बनाया जाता है। बाकी छोटे स्टेशनों पे जो है ये आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, मतलब आपके ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। बाकी जंक्शन स्टेशनों पे आपको ये ऊपर मिलेगा दूसरी या तीसरी बिल्डिंग में, क्योंकि इसका बनाने का भी पर्पज़ ये है कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल वगैरह होते हैं, तो सिग्नल आपको जो है आसानी से दिख जाए, इसलिए केबिन पे बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे, यहाँ से जो है आप लोगों को सिग्नल दिख रहे होंगे, हालांकि ये पिलर वगैरह लगे हैं तो आपको इसमें मोबाइल में स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को यहाँ से सिग्नल आराम से दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैनल पे आपके सिग्नल का इंडिकेशन नहीं आता है, जबकि साइड पे जो है सिग्नल आ जाता है। इसीलिए और सारा कुछ मूवमेंट जो होता है संटिंग वगैरह का, वो हम बाहर निकल के देख सकते हैं कि कौन सा इंजन जो है किधर चल रहा है और क्या क्या सारा कुछ प्रक्रिया है। तो इसलिए जो है यहाँ पे दूसरी या तीसरी बिल्डिंग पे बनाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे इसको पावर केबिन भी बोल दिया जाता है और पैनल रूम भी यहाँ पे बोल दिया जाता है। कई जगह इसको टावर भी बोल देते हैं, हमारे यहाँ पे इसको पावर केबिन बोलते हैं। सारा कुछ सिग्नल का मूवमेंट यहीं से होता है और ये जो है यार्ड है, इसमें सारा कुछ काम वगैरह चलता रहता है। हमारे स्टेशन पे एक समय में 2 स्टेशन मास्टर काम करते हैं, एक आउटडोर स्टेशन मास्टर होता है, एक इंडोर स्टेशन मास्टर होता है। बाकी जो जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, हालांकि काम यहाँ भी ज़्यादा है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। पैनल रूम में एक स्टेशन मास्टर है, बाकी जनरली जो होते हैं जंक्शनों पे 2 या 2 से अधिक ही स्टेशन मास्टर यहाँ पे रहते हैं। ये जो सर जा रहे हैं, इनकी ड्यूटी आज आउटडोर में लगी है। आउटडोर का जो यही काम होता है, सारी कुछ प्लानिंग देखना है, कहाँ संटिंग चल रही है सारा कुछ, और कौन कौन से मूवमेंट अपने को प्रायोरिटी पे कराना है। और सामने आपको जो है 2 पॉइंट्स में दिख रहे होंगे लाइन के ऊपर चल रहे हैं, वो शायद उधर कोई पावर वगैरह, उधर संटिंग का काम करेंगे। इसलिए सारा कुछ संटिंग मूवमेंट जो होता है आउटडोर स्टेशन मास्टरी यहाँ पे पॉइंट्समैन वगैरह को देता है। तो यही सारी कुछ प्रक्रिया चलती रहती है और डिपेंड करता है आपके स्टेशन पे कितना वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे स्टेशन मास्टर की संख्या बढ़ती जाती है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को जान के हैरानी होगी कि कई सारे स्टेशनों पे जो है स्टेशन मास्टर एक शिफ्ट में 10 से 15 स्टेशन मास्टर भी ड्यूटी करते हैं। जैसे लुधियाना स्टेशन की बात करूँ तो वहाँ पे जो है एक शिफ्ट में दोस्तों 10 से 15 स्टेशन मास्टर वहाँ पे काम करते हैं, जिनमें से 4-5 लोग जो है पैनल रूम में काम करते हैं, 4-5 जो है आउटडोर में काम करते हैं और 1-2 जो है क्वेश्चन ऑर्डर पर काम करते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर काम रहने वाला है आप सभी लोगों का। और अब मैं जो है आप लोगों को मेरा ऑफिस दिखाता हूँ। ये जो है गंगानगर के अंदर तीसरी बिल्डिंग के ऊपर हमारा ऑफिस है, पावर केबिन। यहाँ से बाहर का जो है सारा दृश्य दिखता है कि कहाँ जो संटिंग चल रही है, सिग्नल वगैरह सब ठीक ठाक है या नहीं है। अब जो है मैं आप सभी लोगों को पैनल रूम दिखाता हूँ। ये है हमारा पैनल रूम। मैं जो है यहाँ पे आज स्पेयर हो रहा था, तो मैं सोचा सर से मिल के आता हूँ, तो इसलिए मैं केबिन में आया था, मेरी आज ड्यूटी नहीं है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सारे कुछ सुरक्षा के चार्ट वगैरह लगे रहेंगे आपके ऑफिस में, और सारा कुछ वो शानदार ऑफिस रहता है। हालांकि यहाँ पे अभी आरी का काम हुआ था, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चेंज हुए हैं, पौधानूर की जगह जो है आपके UFSBI के जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं और आरी का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसलिए जो है यहाँ पे इनकी फर्श की खुदाई वगैरह हुई थी, इसलिए फर्श वगैरह थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। बाकी इसका रिपेयरिंग का काम जो है वो जल्दी होने वाला है। और ये देख पा रहे होंगे ये स्टेशन मास्टर का सारा कुछ काम यहीं से हैंडल होता है। और आपके जो है जो गाड़ियों का मूवमेंट होता है सारा, वो यहीं से होता है, कौन सी गाड़ी को कब सिग्नल देना है, कौन सी लाइन पे लेना है। जैसा कि आप सभी लोग जो है यहाँ पे सोचते होंगे कि ड्राइवर के पास स्टीयरिंग होती है क्या, ड्राइवर के पास स्टीयरिंग नहीं होती है। गाड़ियों को कौन सी लाइन में लेना है ये स्टेशन मास्टर तय करता है, उसके पास कोई स्टीयरिंग नहीं होती है। हम जिस गाड़ी में लेते हैं उसी में गाड़ी आती है, उसी लाइन में गाड़ी आती है। ये पैनल रूम दिख रहा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे बटन आपको दिख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यार इनको कैसे ऑपरेट करना है। और बहुत सारे यहाँ पे आप नए जो ट्रेनिंग में कर रहे हैं उनके भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम जो है इसको कैसे हैंडल करेंगे, कुछ समझ आ नहीं रहा है। दोस्तों, अब मैं जो है आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ गंगानगर का जो है पैनल रूम। यहाँ पे आज मेरी ड्यूटी नहीं है, आज मेरे को स्पेयर कर दिया गया है, तो मैं सोचा सर से मिल के आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये है गंगानगर का पावर केबिन का ऑफिस। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं है, लेकिन जो है ठीक ठाक है। और रोड साइड स्टेशन के जो स्टेशन होते हैं वो थोड़े और ज़्यादा शानदार होते हैं। इसमें जो है फर्श वगैरह थोड़ा टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आरी का भी काम चला था, तो फर्श जो है बहुत जल्दी यहाँ पे टाइल्स वगैरह लग जाएगी।
और ये है आपके स्टेशन मास्टर का चैम्बर, यहीं से सारी गाड़ियों की वो जो है हैंडलिंग होती है, सब गाड़ियों को यहीं से सिग्नल वगैरह दिए जाते हैं, कौन सी लाइन में दिया लिया जाना है, कौन सी में नहीं लिया जाना है, सारा कुछ यहीं से डिसाइड होता है। आप देख पा रहे होंगे ये पैनल रूम है, आप सभी लोग जो ट्रेनिंग में कर रहे हैं उनको ये सिखाया जाएगा पैनल को कैसे ऑपरेट करते हैं। और आजकल जो है SSI वाले कंप्यूटर वाले पैनल लग गए हैं, ये पैनल रोड साइड स्टेशनों से लगभग खत्म हो गए हैं, बाकी जंक्शन स्टेशनों पे ही ये अभी पैनल है, उसमें भी LED वगैरह लग गई है काफ़ी सारी। और ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस पर लाइन क्लियर वगैरह मिलता है अपने को। और इधर देखें तो अपन जो है ये स्टेशन मास्टर का जो टेबल होती है बैठने के लिए, ये स्टेशन मास्टर के बैठने के लिए चेयर वगैरह लगी होती है। और यहाँ पे जो है सामने दो कंप्यूटर आपको दिख रहे होंगे, ये कंप्यूटर जो है आपके रोड साइड स्टेशनों में नहीं होंगे दोस्तों, ये जंक्शन स्टेशनों पे होते हैं। और बड़ा वाला जो कंप्यूटर है वो है डाटा लॉगर, जो कि गाड़ियाँ जो होती है उनका टाइम अराइवल और डिपार्चर ये ऑटोमेटिक उठाता है, यहाँ से अपने को सेंड करना होता है। आप सभी ऑनलाइन ऐप पे जैसे कि NTS वगैरह हो गया, वेयर इज माई ट्रेन हो गया, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिन पे आप देखते होंगे गाड़ियाँ कौन सी चली है या कौन सी आई है, किसका क्या टाइम हुआ है, तो जो टाइम होता है ना वो यहीं से होता है, ऑनलाइन ही ये टाइम उठाता है, यहाँ से हम सेंड करने के बाद में ही वो गाड़ियों का टाइम उठाता है अराइवल या डिपार्चर। तो ये सभी जगह नहीं होते हैं, बड़े टर्मिनेट स्टेशन जो होते हैं जंक्शन स्टेशन उसी पर डाटा लॉगर लगा होता है। साथ ही छोटा वाला जो कंप्यूटर होता है वो TSR होता है, इसमें गाड़ियों की सारी कुछ एंट्री आपको करनी होगी, जैसे कि गाड़ी का लाइन क्लियर का टाइम क्या रहा, क्या प्राइवेट नंबर रहा, कितनी बजे आपको आउट मिला, कितनी बजे आपके पास पहुंची है, सारा कुछ इसमें आपको भरना होता है ऑनलाइन। और ये जो है रजिस्टर आपको मेंटेन करने होंगे, वो ऑनलाइन जो काम करोगे TSR में वही आपको जो है ऑफलाइन यहाँ पे दोबारा करना होगा। और इतने सारे फ़ोन इसमें जो है आपको 10 से 15 फ़ोन यहाँ पे हैंडल करने होते हैं हमारे को, तो बड़े जितना बड़ा स्टेशन होगा ये फ़ोनों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। छोटे स्टेशनों पे मुश्किल से 3 या 4 फ़ोन होते हैं, और बड़े स्टेशन जो होंगे तो हमारे स्टेशन में लगभग 15 से 20 फ़ोन आप देख पा रहे होंगे। तो इन सभी फ़ोनों को देखने के बाद एक बार तो ऐसा लगता है यार कि इसको कैसे हैंडल करता होगा स्टेशन मास्टर। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत सारे टेलीफोन तो ऐसे हैं जिन पर पूरे दिन में एक भी कॉल नहीं आता है, बाकी जो है ये कम से कम 7-8 टेलीफोन तो ऐसे हैं जो रेगुलर आपके काम में आते रहेंगे। ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के फ़ोन हो गए, हमारे यहाँ पे जो है 3 साइड से गाड़ियाँ चलती है, ये आपके पृथ्वीराजपुर यानी सूरतगढ़ जाता है, वो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है वो आपके भटिंडा जाता है, और ये जो इधर वाला जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है ये आपका हनुमानगढ़ जाता है। ये हमारे बैठने की चेयर हो गई, और चेयर यहाँ पे आपको सभी स्टेशनों पे रिवॉल्विंग चेयर मिलेगी, हमारे भी यहाँ रिवॉल्विंग चेयर थी लेकिन जो है थोड़ा उसमें दिक्कत आ गई तो उसको जो है रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। दोस्तों यहीं पे जो है आपके गेट फोन भी रहेंगे, कि बड़ा वाला जो फ़ोन आपको दिख रहा होगा ये है गेट फोन, इसके अंदर आपके 6 बटन है, यानी कि 6 फोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है गेटमैन के। तो हमारे इसके अंदर 3 गेट कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है 5 गेट है, तो 3 इसमें कनेक्ट है और 2 गेट जो है उसमें कनेक्ट है, यानी उससे बात होती है। और इसमें आप गेटमैन से जो बात करोगे वो सारी कुछ रिकॉर्ड इसमें हो जाती है, इसमें चिप वगैरह लगी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेशन मास्टर उसको बता देता है गेटमैन को बंद करने के लिए लेकिन वो करता नहीं है, और बाद में अगर कुछ दुर्घटना होती है तो मुकर जाता है, या फिर स्टेशन मास्टर मुकर जाता है, नहीं बताता फिर भी बोलता है बता दिया हूँ। इसलिए इनकी जो है अगर कौन झूठ बोल रहा है इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे ये चिप वगैरह इसमें लगाई जाती है, तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। आप जो भी इसमें सही बोले, इसमें जो है छिपाने वाली जैसी कोई बात नहीं रहेगी, कोई झूठ नहीं बोल सकता, इतनी बढ़िया वो सारी कुछ हो गई। और डाटा लॉगर जो है दोस्तों, आप कुछ भी मूवमेंट करोगे पैनल में तो इसके अंदर डाटा लॉगर के अंदर इसकी आपकी रिपोर्ट जाती है, तो अब जो है अगर आपसे कुछ गलती होती है तो उसको छिपा नहीं सकते दोस्तों। और ये जो है आपका पैनल है, इस पर बहुत सारे बटन है, और ट्रेनिंग जो कर रहे हैं दोस्त वो वहाँ पे 3 लाइन के पैनल पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो जो है इस पैनल को देख के थोड़ा घबरा जाएंगे, और हम भी खुद भी घबरा गए थे जब हम ट्रेनिंग करके आए थे यहाँ पे, तो हमें लगा कि यार इसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने सारे बटन है। लेकिन आप सभी लोगों को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, सभी लोगों को जो है यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आप जो है लाइन ट्रेनिंग जब लो तो आप आराम से लेना, अच्छे से वहाँ पे जो कार्यरत स्टेशन मास्टर रहेंगे उनसे सारी कुछ डिटेल से पूछना, और उनको ये भी बोलना कि सर आपके यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा, क्योंकि हर स्टेशन की हर पैनल की अपनी एक एक्स्ट्रा खासियत होती है जो वहाँ पे वर्किंग करने वालों को ही पता होती है। अपन वहाँ पे थ्योरी में पढ़े होते हैं लेकिन यहाँ पे जो है रियल में कुछ और होता है, रियल में इतना हार्ड वर्क नहीं होता है जितना अपने को वहाँ पे लगता है। ये सारे बटनों का फंक्शन है आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारे स्टेशन का जो आपका जो भी स्टेशन रहेगा उसका पूरा यहाँ पे डायग्राम जो होता है आपको इस पर दिखेगा। देखो यहाँ पे 7 लाइनों का स्टेशन है हमारा, इसलिए 7 लाइन आपको दिख रही होगी, और ये जो रेड कलर की लाइनें हैं दोस्तों इनको आप रेड इसलिए शो कर रही है कि इन पे जो है गाड़ियाँ अभी खड़ी है, और जो खाली है उन पे गाड़ियाँ अभी नहीं है। और इधर जो है एक गाड़ी अपनी आ रही है, संटिंग चल रही है, इसलिए वो आपकी लाइन नंबर 3 में जो गाड़ी आ रही है, तो संटिंग वगैरह का सारा काम यहीं से होता है,
आप सभी लोग देखते होंगे कि गेटों को कौन बंद कराता है, गेटों को स्टेशन मास्टर ही बंद करवाता है। और यहाँ पे सिग्नल जो देते हैं ना गाड़ियों का, किसी भी गाड़ी को अराइवल करो या डिपार्चर करो, वो स्टेशन मास्टर ही तय करता है कौन सी लाइन में लेना है, कौन सी कांटा लगा के या कौन सी एक लाइन में लेना, दो में लेना, तीन में लेना, कहाँ पे लेना, वो भी स्टेशन मास्टर ही डिसाइड करता है। लोको पायलट के हाथ में कुछ नहीं होता है। गाड़ियों की जो डायरेक्शन बदलती है वो पैनल रूम से ही बदलती है, यहीं से ही सारी गाड़ियों की जो है डायरेक्शन बदलती है। ये पैनल है और पैनल की जो साइज़ है दोस्तों बड़ी या छोटी हो सकती है। छोटे स्टेशनों पर जहाँ पर तीन लाइनों का स्टेशन होता है वहाँ पर छोटा पैनल होता है। और आजकल जो है सभी स्टेशनों पर SSI वाले लग गए हैं कंप्यूटराइज पैनल, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यही जो है स्टेशन मास्टर का कक्ष है और आपको भी ऐसा स्टेशन मिलेगा। तो ओवरऑल मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिनको भी ट्रेनिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं ले, क्योंकि इतना कोई बहुत बर्डन वाली बात नहीं होती है। ये सब चीज़ें आपकी जब लाइन ट्रेनिंग होगी आप उसमें आराम से सीख जाओगे। ट्रेनिंग के अंदर जो है थ्योरी वाला पार्ट आप अच्छे समझिए, कौन सी ऑथोरिटी कब देना होता है, कौन सा फेलियर हो जाए, जब अपने को क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिए। बाकी ये रियल में जब समझ में आएगी तो आप यहाँ ग्राउंड लेवल पर काम करोगे तब आपको जो है ये चीज़ें समझ में आएगी। तो ये है हमारा केबिन है दोस्तों, और सभी स्टेशनों सभी ऑफिसों का जो है यहाँ पर अलग अलग साइज हो सकता है। ये काफ़ी बड़ी साइज़ है हमारे स्टेशन के इस पैनल रूम की। तो यहाँ पर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा था और अब जो है मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। अब जयपुर डिवीजन में मेरे को कौन सा स्टेशन अलॉट होता है उसकी मैं अपडेट आप सभी लोगों को बताऊँगा, कौन सा स्टेशन है, किस सेक्शन में पड़ता है, सारी कुछ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।